नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हूं मेघना और आज मैं आपको एक खास सफर पर ले जा रही हूं। ये सफर न केवल ऐतिहासिक है बल्कि ये हमारे दिलों को छू जाने वाला भी है। ये सफर है मिस्र के अबिडोस का। अबिडोस एक ऐसा स्थान जो रहस्यों और प्राचीन कहानियों से भरा हुआ है। मेरे साथ है मेरी प्यारी कैमरा मिस्ती। मिस्ती और मैं हमेशा से नई जगहें देखने और नई कहानियां खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर यात्रा हमारे लिए एक नई कहानी लेकर आती है और अबिडोस की यह यात्रा भी कुछ अलग नहीं है। अबिडोस यह नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमय तस्वीर आती है। यह स्थान प्राचीन मिस्र की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता, पिरामिड, फिरौन, ये सब हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन अब हम इसे अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। लेकिन आज हम इस इतिहास को अपनी आंखों से देखेंगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमें यकीन है कि यह सफर यादगार होगा। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक मूर्ति और हर एक कहानी हमें प्राचीन मिस्र की अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। तो आइए हमारे साथ चलिए इस रोमांचक सफर पर। हम आपको अबिडोस के हर कोने में ले जाएंगे जहाँ आप इतिहास को जीवंत होते देखेंगे। इस यात्रा में हम आपको बताएंगे कि कैसे अबिडोस प्राचीन मिस्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र था। हम आपको यहाँ के प्रमुख मंदिरों, फिरौन की कहानियों और उन रहस्यमय चित्रलिपियों के बारे में बताएंगे जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर न केवल ज्ञानवर्धक होगा बल्कि यह आपके दिल को भी छू जाएगा। हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए और जानिए कि कैसे अबिडोस ने प्राचीन मिस्र की सभ्यता को आकार दिया। यह सफर आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा जो आपको प्राचीन मिस्र की अद्भुत दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर। अबिडोस, ऊपरी मिस्र का एक प्राचीन शहर। यह शहर अपने आप में एक रहस्यमयी इतिहास को समेटे हुए है जो सदियों से रेत के नीचे छुपा हुआ है। नील नदी के किनारे बसा यह शहर अपने आप में इतिहास की कई परतें समेटे हुए है। नील नदी की लहरों के साथ बहते समय ने इस शहर को एक अद्वितीय पहचान दी है। यहाँ की हर एक ईंट हमें पुराने समय में ले जाती है। इन ईंटों में छुपी कहानियां हमें उस समय की संस्कृति, कला और जीवन शैली की झलक दिखाती हैं। यह शहर कभी ओसिरिस देवता का पवित्र स्थान माना जाता था। ओसिरिस, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता थे, उनके प्रति यहाँ के लोगों की आस्था अद्वितीय थी। ओसिरिस मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता, उनकी प्रतिमा यहाँ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक थी जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती थी। यहाँ उनका एक भव्य मंदिर भी है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला और इसकी भव्यता अद्वितीय है, जो प्राचीन मिस्र की कला और संस्कृति की उत्कृष्टता को दर्शाती है। अबिडोस हमें बताता है कि मिस्र की सभ्यता कितनी पुरानी और समृद्ध थी। यहाँ के अवशेष हमें उस समय की समृद्धि और उन्नति की कहानी सुनाते हैं। यहाँ की हर एक चीज हमें उस समय की याद दिलाती है। यहाँ के खंडहर, मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल हमें उस समय की जीवन शैली, धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक संरचना की झलक दिखाते हैं। अबिडोस का हर कोना एक नई कहानी कहता है जो हमें प्राचीन मिस्र की महानता और उसकी समृद्धि की याद दिलाता है। यह शहर न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि एक जीवंत संग्रहालय भी है जो हमें उस समय की यात्रा पर ले जाता है। आज भी अबिडोस के खंडहरों के बीच चलते हुए पर्यटक उस समय की महिमा और रहस्यों को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक मूर्ति और हर एक मंदिर हमें उस समय की महानता की याद दिलाते हैं। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें यह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थी और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। जब सूर्यास्त के समय अबिडोस के खंडहरों के बीच से सूरज की किरणें गुजरती हैं, तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह हमें उस समय की शांति और सौंदर्य की याद दिलाता है जो आज भी यहाँ की रेत में छुपा हुआ है। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें यह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थी और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें।
आज भी अबिडोस के खंडहरों के बीच चलते हुए पर्यटक उस समय की महिमा और रहस्यों को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक मूर्ति और हर एक मंदिर हमें उस समय की महानता की याद दिलाते हैं। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें यह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थीं और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। जब सूर्यास्त के समय अबिडोस के खंडहरों के बीच से सूरज की किरणें गुजरती हैं, तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह हमें उस समय की शांति और सौंदर्य की याद दिलाता है, जो आज भी यहाँ के रेत में छुपा हुआ है। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें वह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थी और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। ये शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। आज भी अबिडोस के खंडहरों के बीच चलते हुए पर्यटक उस समय की महिमा और रहस्यों को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक मूर्ति और हर एक मंदिर हमें उस समय की महानता की याद दिलाते हैं। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें वह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थीं और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। जब सूर्यास्त के समय अबिडोस के खंडहरों के बीच से सूरज की किरणें गुजरती हैं, तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह हमें उस समय की शांति और सौंदर्य की याद दिलाता है, जो आज भी घर के लिए छुपा हुआ है। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें यह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यता है अपने समय की चुनौतियों का सामना करते थे और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। आज भी अबिडोस के खंडहरों के बीच चलते हुए पर्यटक उस समय की महिमा और रहस्यों को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक मूर्ति और हर एक मंदिर हमें उस समय की महानता की याद दिलाते हैं। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें यह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थीं और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। जब सूर्यास्त के समय अबिडोस के खंडहरों के बीच से सूरज की किरणें गुजरती हैं, तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह हमें उस समय की शांति और सौंदर्य की याद दिलाता है, जो आज भी यहाँ की रेत में छुपा हुआ है। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें यह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थी और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। आज भी अबिडोस के खंडहरों के बीच चलते हुए पर्यटक उस समय की महिमा और रहस्यों को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक मूर्ति और हर एक मंदिर हमें उस समय की महानता की याद दिलाते हैं। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें यह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थीं और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। जब सूर्यास्त के समय अबिडोस के खंडहरों के बीच से सूरज की किरणें गुजरती हैं, तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह हमें उस समय की शांति और सौंदर्य की याद दिलाता है, जो आज भी यहाँ के रेत में छुपा हुआ है। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें यह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थी और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। आज भी अबिडोस के खंडहरों के बीच चलते हुए पर्यटक उस समय की महिमा और रहस्य महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक मूर्ति और हर एक मंदिर हमें उस समय की महानता की याद दिलाते हैं। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें यह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थी, कैसे
जैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोएं और अपनी भी पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। जब सूर्यास्त के समय अबिडोस के खंडहरों के बीच से सूरज की किरणें गुजरती हैं तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह हम उस समय की शांति और सौंदर्य की याद दिलाता है जो आज भी लोगों की देख में छुपा है। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थी, कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और संरक्षित यह शहर में प्रेरित करता है कि हमें अपनी धरोहर को संजोने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। आज भी अबिडोस के खंडहरों के बीच चलते हुए पर्यटक महसूस कर सकते हैं एक मूर्ति हर एक मंदिर उस समय की महानता की बात करते हैं। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें कह सकता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोए और आने वाले पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। जब सूर्यास्त के समय अबिडोस के खंडहरों के बीच से सूरज की किरणें गुजरती हैं तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह हम उस समय की शांति और सौंदर्य की याद दिलाता है जो आज भी लोगों के रेत में छुपा है। अबिडोस का यह ऐतिहासिक स्थल हमें यह सिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की चुनौतियों का सामना करती थी और कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखा। यह शहर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी धरोहर को संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। अबिडोस में सबसे खास जगह है ओसिरिस का मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता और कलाकारी के लिए मशहूर है। मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति मिलती है। ऊंचे ऊंचे पिलर्स जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है, दीवारों पर बने चित्र हमें प्राचीन मिस्र के जीवन और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक धरोहर है जो हमें अपने अतीत से जोड़ती है। ओसिरिस मंदिर के पास ही है सेठी प्रथम का मंदिर। यह मंदिर अपनी अद्भुत बनावट और सुंदर रंगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की दीवारों पर रामायण और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों के दृश्यों को भी उकेरा गया है। ये मंदिर हमें बताता है कि प्राचीन काल में भी अलग अलग संस्कृतियों के बीच कितना मेलजोल था। सेठी प्रथम का मंदिर सचमुच कला और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। अबिडोस सिर्फ इतिहास प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि फोटोग्राफर्स के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ के दृश्य इतने मनोरम हैं कि आपका कैमरा बस क्लिक करता रहेगा। अबिडोस के प्राचीन मंदिरों की भव्यता और उनकी वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हर कोने में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं, जो आपके लेंस के माध्यम से जीवंत हो उठती हैं। रेत के टीलों के बीच बने प्राचीन मंदिर जो समय की धूल में भी अपनी चमक नहीं खोते। यहाँ की हर ईंट हर पत्थर एक कहानी कहता है। नील नदी का शांत पानी जो यहाँ की जीवन रेखा है और इसके किनारे बसी स्थानीय लोगों की जीवन शैली जो सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है, ये सब कुछ आपके कैमरे में कैद करने लायक है। यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति, उनकी कहानियां, सब कुछ आपके फोटोग्राफी के अनुभव को और भी समृद्ध बना देते हैं। मैं तो यहाँ आकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि मुझे मिस्र के साथ इन खूबसूरत पलों को कैद करने का मौका मिल रहा है। यहाँ की हर तस्वीर एक अनमोल यादगार बन जाती है। अबिडोस में बिताए गए ये पल, ये अनुभव, ये तस्वीरें, सब कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। यहाँ की हर तस्वीर एक कहानी बयां करती है जो शब्दों से परे है। सूर्यास्त के समय जब सुनहरी किरणें प्राचीन खंडहरों पर पड़ती हैं तो दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। यह वो समय है जब अबिडोस की सुंदरता अपने चरम पर होती है। रात के समय जब आसमान में तारे टिमटिमाते हैं तो अबिडोस का दृश्य और भी जादुई हो जाता है। ये वो समय है जब आप अपने कैमरे के साथ इस जादू को कैद कर सकते हैं। एक फोटोग्राफर के लिए अबिडोस एक ऐसा स्थान है जहां हर पल हर दृश्य एक नई प्रेरणा देता है। यहां की हर तस्वीर एक नई कहानी कहती है जो आपके दिल को छू जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां आकर आप सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेते बल्कि नए दोस्त भी बनाते हैं जो आपके साथ इस अद्भुत अनुभव को साझा करते हैं। अबिडोस एक फोटोग्राफर का स्वर्ग जहाँ हर कोना, हर दृश्य, हर पल एक नई कहानी कहता है। ये वो स्थान है जहाँ इतिहास और वर्तमान का संगम होता है।
और फिर संगम आपके कैमरे में कैद हो जाता रहे। अबिडोस की यात्रा के दौरान यहाँ के लोगों से मिलना भी एक अच्छा अनुभव रहा। भाषा समझ न आने पर भी उनकी आंखों में जो प्यार और गर्मजोशी थी वह लाजवाब थी। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराया। उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल यादगार रहा। अगर आप अबिडोस आएं तो यहाँ के बाजारों में जरूर जाएं। यहाँ आपको हाथ से बनी हुई सुंदर चीजें मिलेंगी जिन्हें आप अपने साथ याद के तौर पर ले जा सकते हैं। किसी भी यात्रा को खास बनाता है वहाँ का खाना, और जब बात मिस्र जैसे देश की हो तो यहाँ के जायके तो आपको जरूर चखने चाहिए। हमें यहाँ कुशाड़ी नामक एक व्यंजन बहुत पसंद आया। यह चावल, दाल और मसालों से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन है। इसके अलावा फूल और तामिया भी यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है। मिस्र का खाना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। यहाँ के जायके आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। अबिडोस की यात्रा नील नदी के बिना अधूरी है। नील नदी, जो मिस्र की जीवन रेखा कहलाती है, इस नदी का अपना एक अलग ही जादू है। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा होता है और नील नदी का पानी सुनहरा हो जाता है, वह नजारा बेहद खूबसूरत होता है। हमने भी नील नदी में नाव की सवारी की और इस अद्भुत नजारे का आनंद लिया। अब वक्त आ गया है अबिडोस को अलविदा कहने का। ये सफर हमारे लिए एक यादगार अनुभव रहा। हमने यहाँ न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि उसे जिया है। अबिडोस की गलियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, ये सब कुछ हमें हमेशा याद रहेगा। लेकिन हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, तो चलिए अब हम नई यात्राओं की योजना बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो अबिडोस आपके लिए एक अच्छी जगह है। ये शहर आपको निराश नहीं करेगा, तो देर किस बात की। अपने बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए अबिडोस के रोमांचक सफर पर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह यात्रा की कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक खुश रहिए और सफर करते रहिए।